वेलकम वंस अगेन। तो चलिए आज बनाते हैं एक मुगलई रेसिपी, चिकन चाप। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने चिकन ऐसे थाई पीसेस ले लिए हैं जिनको हल्का सा बॉईल कर लिया है नमक हल्दी के साथ। यहाँ पे चार चिकन के पीस लेग पीसेस हैं। अच्छा चलिए एक मसाला तैयार करते हैं। यहाँ पे एक टीस्पून मगज़ के दाने हैं और 10 से 12 कैश्यू नट्स है और एक टीस्पून खसखस है। इनको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे विदाउट वाटर। अब इसमें मैं डालूंगी प्याज और मिर्ची। यहाँ पे दो मीडियम साइज के प्याज हैं और 2 से 3 यहाँ पे मिर्ची डाल लीजिए आप अपने टेस्ट के हिसाब से। और अब दही डालेंगे, खट्टी ना हो इसका ध्यान रखें। तो मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून दही डाल दिया है, पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनको अच्छे से पेस्ट बना लिया है, देखिए। क्योंकि मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालना भूल गई थी पहले, तो अब डाल के मैं एक बार और मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी इसको। तो 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब इन चिकन को आप एक बड़े से प्लेट में इसको फैलाएं और ये जो मिक्सचर हम लोगों ने बनाया है पेस्ट, इसको भी इसके ऊपर डालें। ये सारी चीज़ों से मैं इनको मैरिनेट करूँगी। नाउ सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अच्छा 2 टीस्पून यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ये बहुत इजी रेसिपी है और बहुत अच्छा लगता है खाने में। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर, आप वाइट और ब्लैक कोई सा भी डाल सकते हैं। और ये है जायफल जिसको हम ऐसे ग्रेट कर लेंगे, जो कि आप 1/2 टीस्पून समझ लिए। बहुत अच्छा फ्लेवर इन्हांस होता है इससे। आप जावित्री भी डाल सकते हैं लेकिन मेरे घर में ये उसका फ्लेवर पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं डालूंगी। और 1 टीस्पून वाइट रिफाइंड ऑयल और यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के क्रीम, फ्रेश क्रीम। घर में हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। अच्छा तो चलिए अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। चिकन में पीसेस में जो कट लगाए थे उनमें अच्छे से ये मसाले भर जाएं। इस तरह से इसको मैरिनेट कर दीजिए और जितने देर आप इसको रखेंगे उतना ही अच्छा है। तो मैं फटाफट से बना रही हूँ। तो इसके लिए आप एक अच्छा सा बड़ा फ्लैट पैन ले लें, उसमें 2 टेबलस्पून घी और 2 टेबलस्पून वाइट ऑयल। फ्लेम लो टू मीडियम रखें। और अब मैं जो चिकन मैरिनेट किया था उन चिकन के पीसेस को मैं इसमें फ्राई करूंगी। एक एक करके अच्छे से प्लेस कर दीजिए, ये देखिए। पैन आपका जितना फ्लैट होगा कुक उतना ही अच्छा होगा चिकन, ये देखिए। आप इसको पलटिए। क्योंकि मैंने चिकन को पहले से थोड़ा सा बॉईल किया था तो उसकी वजह से ये जल्दी कुक हो जाएगा। बस आप ध्यान रहे ज्यादा इसको ओवर कुक नहीं करें वरना तो ये स्टिफ हो सकता है। ये देखिए दोनों तरफ से ये अच्छे से फ्राई हो गया है। अब जो मसाले रह गए थे उनको हम आहिस्ता से डालेंगे इसके अंदर। अभी आप गैस का फ्लेम बिल्कुल सिम कर दीजिए। चलिए तो अच्छे से मिक्स करते हैं, सारे मसाले एक चिकन के साथ कोट हो जाएं। बहुत ही जल्दी बनने वाला ये रेसिपी, इतना अच्छा लगता है खाने में। आप कभी भी इसको किसी को भी इनवाइट करें तो उनको खिला सकते हैं ये। अब थोड़ा सा मैं इसमें जो चिकन जैसे बॉईल किया था तो उसका जो स्टॉक निकला था मैं वही डाल रही हूँ ताकि ग्रेवी जले ना और अच्छा सा एक लटपटा सा ग्रेवी भी बन जाए। अब अपने हिसाब से वो स्टॉक डालिए, ये देखिए कितना
कितना सुंदर भी लग रहा है देखने में, कलर कितना खिला खिला सा है। अब मैं इसको दम पे पकाऊंगी 15 मिनट के लिए। देखिए 15 मिनट हो गया है, सारे ऑयल भी सेपरेट हो गए हैं और चिकन भी कुक हो गया है। तो अभी एक बारी मैं इसको पलट दूंगी। स्मेल सो नाइस, ये राइस के साथ या लच्छा पराठा, तंदूरी रोटी, बहुत अच्छा लगता है खाने में। ये देखिए ये हो गया। अब मैं इसमें, क्योंकि ये मुगलाई रेसिपी है, फ्लेवर्स डालूंगी, तो इसमें थोड़ा सा दूध डाल रही हूँ मैं। आप इसमें चाहे तो केसर मिला के भी डाल सकते हैं। अब इसमें 1 टीस्पून रोज वाटर और 1 टीस्पून केवड़ा वाटर, बस। अब इसमें सारे चिकन के अंदर सारे फ्लेवर्स आ जाए, इसलिए 5 मिनट फिर से पकाऊंगी। एंड नाउ इट्स डन। आपके लिए गर्मा गर्म मुगलाई रेसिपी चिकन चाप रेडी है। सो एंजॉय योर रेसिपी एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।